सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। स्टूडेंट्स वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू बिहार बोर्ड 2019 के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। किस हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट की बात करें तो आपके 35 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव सिंगल चॉइस क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं और उसको OMR शीट में आपके सबमिट करना है। हर क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शंस होंगे जिसका एक सिंगल आंसर होगा। ऐसे टोटल 35 क्वेश्चन होंगे और 35 क्वेश्चन आपको थ्योरी सब्जेक्टिव फॉर्मेट में अपने को सॉल्व करना होगा और बचे 30 मार्क्स 35 70 हो गया और बचे 30 मार्क्स वो आपको प्रैक्टिकल में स्कूल में आपको वाइवा प्रैक्टिकल के थ्रू आपको स्कूल के थ्रू कॉलेज के थ्रू मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, इन अ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन बीटा पैरामीटर इज। तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे सिलेबस में है वो कॉमन एमिटर है। तो कॉमन एमिटर मतलब इनपुट क्या हो जाएगा आपके पास, इनपुट हो जाएगा बेस और आउटपुट हो जाएगा कलेक्टर। जो एमिटर होगा वो तो कॉमन हो गया, तो बीटा पैरामीटर का सिंपली मतलब क्या होगा, आउटपुट करंट दैट इज IC डिवाइडेड बाय इनपुट करंट दैट इज IB। तो हम बोल सकते हैं आपका बीटा पैरामीटर क्या हो गया, IC डिवाइडेड बाय IB करते हुए। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, एन टाइप जर्मेनियम इज ऑब्टेन्ड ऑन डोपिंग जर्मेनियम विथ। हम जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम मेरे क्या है, सेमीकंडक्टर्स है। अब इन सेमीकंडक्टर को मुझे एन टाइप और पी टाइप बनाने के लिए ये याद रखना है इस थर्ड ग्रुप एलिमेंट से, ठीक है। थर्ड ग्रुप एलिमेंट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस टेट्रा वैलेंट एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। तो 3 तो आपके बॉन्ड बना लेंगे पर एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट होगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ेगा, मतलब ये डोपिंग कराते हैं, ये डोपेंट्स यूज किए जाते हैं टू क्रिएट पी टाइप सेमीकंडक्टर। और यहाँ पे पेंटावेलेंट डोपेंट्स हैं, तो पेंटावेलेंट डोपेंट्स टेट्रावेलेंट के साथ डोप करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर गए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन गया, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे एन टाइप, एन नेगेटिव, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसके लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो यहाँ पे फॉस्फोरस आपका ऑप्शन रहा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डायोड व्हेन देयर इज सैचुरेशन करंट द प्लेट रेजिस्टेंस इज। मतलब जब डायोड फॉर्म हो जाता है, पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है, तो ये जो प्लेट का रेजिस्टेंस है, ये प्लेट का रेजिस्टेंस इस नो मैन्स लैंड में जो आपका ये गैप बन रहा है, इस प्लेट का रेजिस्टेंस हम क्या बोल देंगे, जब सैचुरेशन हो गया मतलब जब डिफ्यूजन करंट तुम्हारा ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो गया, तब उस टाइम पे कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मूवमेंट नहीं होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, उस टाइम पे रेजिस्टेंस इस प्लेट का कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, कोई चार्ज मूव नहीं हो रहा, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन करंट गेन अल्फा एंड बीटा इन अ ट्रांजिस्टर। तो अल्फा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, IC डिवाइडेड बाई IE करते हुए, और बीटा हमारा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर जो हमारे सिलेबस में है वो कैसे डिफाइन होता है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो इनपुट करंट बेस है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या एस्टैब्लिश करना है, इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इस अल्फा और ये बीटा में हम एक रिलेशन जानते हैं, IE इज इक्वल टू IC प्लस क्या जानते हैं स्टूडेंट्स हम, IB करते हुए, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया जा सकता है, यहाँ पे हम IE की वैल्यू लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ IC दैट इज IC बाय अल्फा, एक ही अननोन के टर्म में,
और IB की वैल्यू हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल टू IC बाय बीटा, इसको पुट कर दिया जाए यहाँ पे, तो IE की वैल्यू हमने क्या रख दी, IC बाय अल्फा, IC को एज इट इज रहने दिया और IB की वैल्यू रख दी हमने स्टूडेंट्स IC बाय बीटा करते हुए, तो IC कॉमन निकाल के कैंसिल हुआ, ये हो गया 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम लिए ये बन गया बीटा प्लस 1 बाय बीटा और यहाँ आ गया अल्फा, तो 1 बाय अल्फा, तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बीटा बाय 1 प्लस बीटा करते हुए, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखा है 1 प्लस बीटा, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी लिमिट जनरली यूज्ड फॉर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, तो ग्राउंड वेव के लिए हम जो फ्रीक्वेंसी रेंज रखते हैं वो किलो हर्ट्ज की रखते हैं, डैट इज 1000 किलो हर्ट्ज, और स्काई वेव के लिए हम मेगा हर्ट्ज रेंज में जाते हैं, और स्पेस वेव में हम और हाइयर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो जो लिमिट है जहाँ तक आप यूज़ करेंगे ग्राउंड वेव प्रोपगेशन वो 100,000 किलो हर्ट्ज मैक्सिमम लिमिट, तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच, तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर ट्रांसमीटर्स में लगा होता है और उसका काम क्या है, जो भी एनालॉग सिग्नल्स हैं उसको कन्वर्ट करके देना आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ताकि उसे ट्रांसमिट उसे आप कैरी कर सके ना सिग्नल को थ्रू द मीडियम, क्योंकि जो वायर्स के थ्रू वॉइस सिग्नल ट्रैवल नहीं करेगा, तो मीडियम से ट्रैवल कराने के लिए उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ट्रांसड्यूसर, मतलब वॉइस सिग्नल, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, तो यूज़ क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, आपका ट्रांसड्यूसर डिवाइस, तो ये आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 7 है मेरे पास, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप मटीरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होते हैं, होल्स, तो हम बोल सकते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप आर होल्स, तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, एबीसी इन अ रिसीवर मींस, तो एबीसी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है, और उसका काम रिसीवर में क्या है, वॉल्यूम को एडजस्ट करना अकॉर्डिंगली, तो ये हुआ स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ तक का स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, द थर्म आयंस आर, तो थर्म आयंस मतलब थर्मली जनरेटेड आयंस चार्जेस, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो थर्म आयंस किसको रिफर किया जाता है स्टूडेंट्स, आपका इलेक्ट्रॉन्स को, तो स्टूडेंट अब यहाँ तक का अगला क्वेश्चन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ठीक है, मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये किसने डिस्कवर किया था, मिलिकन ने डिस्कवर किया था थ्रू हिज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एमजी को बैलेंस करते हुए क्यू इंटू ई, और वहाँ से क्यू इज इक्वल टू एन ई करते हुए उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर किया था स्टूडेंट, तो ये आंसर है आपका मिलिकन करके, तो यहाँ तक का स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, मोशनल मास नहीं पूछा, रेस्ट मास पूछा है, तो जब फोटोन रेस्ट पे होता है तो उसका इफेक्टिव मास जीरो माना जाता है और चार्ज भी जीरो, तो हम क्या कहेंगे कि रेस्ट मास फोटोन का कितना है मेरे पास, जीरो करते हुए, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है, इफ पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी द मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज फॉर, सबकी अगर वेलोसिटी सेम है तो किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एच बाई पी, तो हम बोल सकते हैं इस पी की जगह क्या लिख दिया, एम बी, अब एच कॉन्स्टेंट है, स्पीड सबका सेम दिया हुआ है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यहाँ पे देख के हम बोल सकते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल सबके मास अगर कंपेयर किए जाए तो प्रोटॉन का मास होता है 1 EMU, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास जिसका मास
मैक्सिमम पूछा है, तो जिसका मास सबसे कम उसका डी ब्रोकली वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन का भी मास अप्रोक्सीमेटली 1 EMU है। अल्फा पार्टिकल, इसके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो 4 EMU, और बीटा पार्टिकल का मास लगभग 0 EMU क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है। तो सबसे कम मास जो होगा वो मेरा किसका होगा, बीटा पार्टिकल का। तो इसका जो डी ब्रोकली वेवलेंथ होगा स्टूडेंट्स वो आपका सबसे ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक्स इज अप्रॉक्सीमेटली। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जब फोटोन स्ट्राइक करता है मेटालिक प्लेट को, कैथोड प्लेट को, तो उस टाइम पे आपका जो टाइम होता है वो कितना होता है। तो हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसे हिट करेगा उसी दौरान इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, सबसे कम टाइम लगेगा। तो सबसे कम टाइम यहाँ कौन सा दिख रहा है, 10^-10 सेकेंड, लगभग 0 के पास ही रहेगा। तो 0.00000001 सेकेंड, इतना छोटा टाइम रहेगा। तो देयरफॉर योर आंसर इज सी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म इज √3 देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज। तो इक्विलैटरल प्रिज्म बोला गया है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला आपके पास होता है μ-1 × a, ये वैलिड है ओनली फॉर जब एंगल ऑफ प्रिज्म 15 डिग्री से छोटा हो। पर अगर 15 डिग्री से छोटा नहीं है जैसे इस केस में है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए हम प्रिज्म फॉर्मूला लिखेंगे μ = sin A + δ min/2 / sin क्या लिखेंगे a/2। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है √3, इक्विलैटरल है, इसका मतलब ए वैल्यू है 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये ए एंगल ऑफ प्रिज्म है मेरे पास 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ लेके आया तो ये बन गया √3 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ, यहाँ क्या आ गया हमारे पास 60/2 = 30 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम बाय, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2। अब साइन 30 होता है 1/2, तो ये मेरे पास बन गया स्टूडेंट्स √3/2 = sin 30 + δ min/2, क्या लिख सकता हूँ 2। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ, साइन ये एंगल किसके लिए होगा, जब ये पूरा एंगल मेरे पास 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि साइन 60 होता है √3/2, तो मैं लिख सकता हूँ 60 degree = 30 degree + δ min/2। यहाँ से 30 यहाँ आया तो 30 = δ min/2, तो यहाँ से मिनिमम डेविएशन आ गया स्टूडेंट्स अपने पास 30 × 2 = 60 degree, देयरफॉर योर आंसर इज स्टूडेंट्स 60 degree। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन 14 का आंसर हुआ, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल टू एयर इज 30 डिग्री द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज। तो क्रिटिकल एंगल कैसे डिफाइन होता है, ये एयर के लिए मतलब डेंसर से रेयर, इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना बोला गया हमें 30 डिग्री है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है मेरे पास 90 डिग्री। अब स्नेचल लगाते हुए μ × sin 30 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 × sin 90 करते हुए, साइन 91 होगा, तो μ × 1/2 = sin 91, यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास 2, तो ये ऑप्शन हो गया आपका 2.0। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है, फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट सिचुएटेड ऑन सेम वेव फ्रंट। तो एक ही वेव फ्रंट पे जो 2 पॉइंट्स होंगे उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा। तो सेम फेज में रहेंगे, फेज सेम मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0 डिग्री। तो ये आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है, ये ऑब्जेक्टिव हुआ जिसके पास ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट को हम विद इन द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव रखते हैं, जिसके कारण जो इमेज बनता है वो इस ऑब्जेक्टिव के फोकस के राइट साइड बनेगा, और एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ आपका रिफ्रैक्टेड रेस से बन रहा होगा। तो इमेज तो रियल बनेगा,
अब डिमिनिश्ड है या इनलार्ज्ड है, तो जब ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकस रख रहे हैं तो इमेज जो बनेगा वो इनलार्ज्ड बनेगा। देयरफॉर ये ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले। अगला क्वेश्चन है द लॉ ऑफ फोर्स दैट गवर्न्स द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किसने डिफाइन किया था, वो डिफाइन किया था कूलम ने। तो कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये आपका आंसर कूलम करते हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 19 है द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल्स इज। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आपकी इंसुलेटर या एयर के लिए 1 ली जाती है, ठीक है, मेटल्स के लिए इन्फिनिटी और सेमीकंडक्टर के लिए 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। तो मेटल्स का पूछा गया है, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम कितना बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट। तो ये हुआ आपका आंसर स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जे से, इट इज डिफाइंड एज करेंट पर यूनिट एरिया, तो आई बाई ए। तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स ए करते हुए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है गैल्वानोमीटर कैन बी चेंज्ड इनटू एम मीटर बाय प्रोवाइडिंग। तो एम मीटर हम जानते हैं किसी रेजिस्टेंस के साथ किस में लगता है, सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मेजर करना है, करंट, और करंट जो होता है वो सीरीज में सेम फ्लो करता है, तो इसीलिए एम मीटर को इसके रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाना है। और एम मीटर कैसे बना है, तो एम मीटर बनाने के लिए हम बात करते हैं कि जो गैल्वानोमीटर है उसके पैरेलल में एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाया जाता है इन पैरेलल, ठीक है, उसे कहते हैं शंट, मतलब गैल्वानोमीटर को शंट करना कहते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस करंट मेजर करना है उसके साथ सीरीज में लगाना है मीटर, तो एम मीटर में गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लो शंट लगेगा, तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ ईएम वेव देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव इज। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ई क्रॉस बी मुझे क्या देगा, वेव की प्रोपोगेशन का डायरेक्शन देगा, मतलब स्पीड का डायरेक्शन देगा, और जिस डायरेक्शन में स्पीड होगी ईएम वेव की उसी डायरेक्शन में मेरा क्या होगा स्टूडेंट, आपका वेव प्रोपोगेट कर रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं ई क्रॉस बी जो होगा वो मुझे देगा इस ईएम वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। तो ये हुआ आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो उस डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा हम जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। जब एक डाइपोल को इसका डाइपोल मोमेंट पी है उसको ऐसे रीजन में रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, तो उस केस में आपका टॉर्क हो जाएगा, यहाँ टॉर्क पूछा गया है, तो टॉर्क कितना एक्ट करेगा उस डाइपोल पे पी क्रॉस ई करते हुए स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक का आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड −3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो क्या बोला गया यहाँ पे, एक का चार्ज −3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम और दूसरे का +3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस d। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो −q से +q होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो q इंटू डी, दैट इज q कितना अपने पास स्टूडेंट्स 3.2 × 10⁻¹⁹ और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू 2.4 × 10⁻¹⁹, ठीक है। अब तो मल्टीप्लाई करके 3.2 × 2.4 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 7.68 × 10⁻¹⁹ हो गया −29। तो 7.68 × 10⁻¹⁹ कूलम मीटर, योर आंसर इज बी स्टूडेंट्स। तो यहाँ नंबर 25 है अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ
क्या कहता है, जितने भी करंट एंटर करेंगे उतने लीव भी करने चाहिए, तो टोटल करंट का सम कितना होना चाहिए हमारे पास, जीरो, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि यहाँ कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो ये आपके पास आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन 26 है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर का जनरल फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, और ओम लॉ को यूज़ करके वी इज इक्वल टू आई आर, मैं वी की जगह आई आर रखता हूँ तो आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर आर, या फिर आई की जगह वी बाय आर रखूँ तो ये बन गया वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे वी और आर के टर्म में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट्स, हमें सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ आपका 27 है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से बी का डायमेंशन एफ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू बी। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। चार्ज का डायमेंशन ए इंटू टी, और वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन। तो एल से एल गया, टी से टी माइनस वन गया, ये बन गया एम ए माइनस वन टी माइनस टू। तो एम इंटू ए माइनस वन टी माइनस टू, एल का पावर जीरो, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक का स्क्रीन चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 है, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, एक सीरीज एल सी आर सर्किट का इम्पीडेंस। तो यहाँ तो एल आर बोला है तो सी तो है नहीं, तो ये क्या बन गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी जीरो हो गया, तो ये बन गया एक्स एल का होल स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास रूट अंडर आर स्क्वायर, एक्सएल क्या है ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आंसर क्या आ गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर करते हुए स्टूडेंट्स, डी आपका आंसर है। द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हमारा इसका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम कैसे बोलते हैं, मॉड्यूलेटर सिग्नल मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय अपना कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, इसका जो रेशियो होता है वो मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स करके कहलाता है एम, जिसकी वैल्यू हमेशा जीरो से कहाँ के बीच लाई करनी चाहिए आपकी, वन के बीच लाई करती है। ठीक है, इसी को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स करके कहते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 30 है, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता, ए प्लस बी। तो नॉर गेट का क्या होगा, उसके ऊपर बार लगा दिया, तो ऑप्शन आ गया आपके पास स्टूडेंट्स डी करते हुए। तो ये आपके पास आंसर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। सरफेस बोला है यहाँ पे, इनसाइड नहीं बोला। तो सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सरफेस के क्या बोली जा सकती है, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो योर आंसर इज बी। क्वेश्चन है मेरे पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी होती है, 8.85 इनटू 10 पावर माइनस 12। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कूलम्ब कांस्टेंट में जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम कहते हैं परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू है 8.85 इनटू 10 पावर माइनस 12 फोर्स पर मीटर करके कह सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर हुआ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। तो हम क्या बात कर रहे हैं, जब एक लाइट एंटर करती है स्लैब में तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हम क्या जानते हैं, वेवलेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा मतलब वेवलेंथ घटा। तो हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पे के कारण वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो ये हुआ आपका आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारे पास एनर्जी का यूनिट, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, और चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। तो ये ऑप्शन डी हुआ। चलिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज जो होती है वो आपकी वर्चुअल एंड क्या बोली जा सकती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स डी रहा। तो स्टूडेंट होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और इससे आप बेनिफिट ले पा रहे होंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन और ये होने वाले हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे।
ठीक है। तो ये मॉडल पेपर जो है बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे हैं अवेलेबल, जिससे हम आपको सॉल्व करके एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं। तो आप इनमें से एक्सपेक्ट कीजिएगा अराउंड 50% प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही हैं, तो ज़रूर से देखते रहें, इसका फ़ायदा उठाते रहें। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि जैसे ही हम अगला मॉडल सेट इंट्रोड्यूस करें आपको उस इंस्टेंट पे नोटिफिकेशन मिले और आप अपने एग्ज़ाम में और अच्छा परफॉर्म कर पाएं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।